हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने डिफरेंशिएशन के बारे में आइडिया लिया था, डिफरेंशिएशन जो फिजिक्स में नॉर्मली हेल्प करता है। आज हम पढ़ाई करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। एक तो डिफरेंशिएशन में एक चीज रह गया था हमारा, वो था चेन रूल। चेन रूल आपको बताऊंगा, वो भी दो मेथड से बताऊंगा, एक टफ वाला होगा और उसके बाद फिर आसान मेथड बता दूंगा चेन रूल में। उसके बाद हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन का, ठीक। उसके बाद देखेंगे हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट इज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डीवाई बाई डी एक्स। उसके बाद बात करेंगे हम, लास्ट टॉपिक होगा आज की क्लास का हमारा, वो होगा मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको ध्यान आप रखेंगे, अच्छे से समझेंगे, क्योंकि वो फिजिक्स में आपको पूरे दो साल हेल्प करने जा रहा है, ठीक। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा एक रह गया था लास्ट टॉपिक डिफरेंशिएशन में, वो था हमारा चेन रूल। तो अभी हम सीखेंगे पहले चेन रूल। देखो बच्चों, चेन रूल क्या है? मान लो आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम दे रखा है, प्रॉब्लम से बता देता हूं। वाई इक्वल्स टू, सपोज करो ई टू दी पावर साइन एक्स, और आपको निकालना है बच्चों, यानी कैलकुलेट करना है डीवाई अपॉन डी एक्स। डीवाई अपॉन डी एक्स क्या है यह आपको बताना है। बच्चों अगर ध्यान से देखोगे यहां, तो क्वेश्चन है आपका वाई इक्वल्स टू ई टू दी पावर साइन एक्स, है ना, ये क्वेश्चन है। लेकिन अगर यहाँ y इक्वल्स टू ई टू दी पावर x होता, तो dy अपॉन dx आप इजीली कैलकुलेट कर सकते थे, और dy अपॉन dx ex ही होता। लेकिन y इक्वल्स टू यहाँ ई टू दी पावर साइन x है, तो इसका मतलब है कि ये डिफरेंशिएशन जो है नॉर्मल डिफरेंशिएशन नहीं है। अब इसको करने का दो मेथड है, जैसे आपको मैंने बताया स्टार्ट में ही, कि दो मेथड है। एक टफ वाला है, पहले एक टफ मेथड देख लो आप, क्योंकि बिगिनर हो आप, और फिर आप इजी देखोगे। तो मेथड वन में क्या करवा कि सपोज करो, या लेट मान लो कि साइन एक्स को बेटा मैंने मान लिया टी, तो ध्यान दो कि वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर टी हो गया। अब ये देखो, वाई एज ए फंक्शन ऑफ टी है, वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है। तो इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा, तो वाई यहाँ टी के टर्म में डिफ्रेंशिएट होगा, तो डीवाई अपॉन डी टी व्हाट, ई इंटू टी, ओके, ठीक। उसके बाद देखो, यहां मैंने माना कि टी इक्वल्स टू है साइन एक्स, यानी कि t जो है वो x का फंक्शन है, क्लियर। तो एक काम करते हैं, चूंकि t x का फंक्शन है, तो dt अपॉन dx निकाल लेते हैं। dt अपॉन dx बच्चों निकालेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, cos x होता है, ठीक। अब देखो, मुझे मैंने यहां क्या कैलकुलेट किया, dy अपॉन dt, फिर कैलकुलेट किया dt अपॉन dx, लेकिन हमें तो बोल रहा है dy अपॉन dx निकालने के लिए। तो dy अपॉन dx निकालने के लिए मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं कि dy अपॉन dt, मैं इसको ये भी तो कर सकता हूं कि मैं dy अपॉन dx को ये भी तो लिख सकता हूं कि dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। ये पता है, ये पता है, डाल दो dy अपॉन dt बच्चों कितना, e टू दी पावर t, और dt अपॉन dx बच्चों कितना, cos x, ठीक। और t की वैल्यू वहां से जो आपने डाली है वो डाल दो, तो e टू दी पावर साइन x, क्योंकि t की वैल्यू साइन x है, इन टू कॉस एक्स, दिस इज वॉट dy अपॉन dx। इट सीम्स लेंथी, बट आप बिगिनर हो तो पहले आप टफ मेथड समझो, तो फिर आपको सीधी मेथड पता लगेगा किस चीज का, कि इजी मेथड भी कुछ होता है, ठीक। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, आप कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, तीन चार, इससे आपको अच्छा फील आएगा और आप समझ भी पाओगे। मान लो आपके पास दे रखा है वाई इक्वल्स टू एल एन साइन एक्स, यानी वाई इक्वल्स टू एल एन एक्स नहीं है, एल एन साइन एक्स है, ठीक। ये अपने आप में एक फंक्शन है, ये अपने आप में फंक्शन है, इसका मतलब है कि ये सिंपली अगर डीवाई अपॉन डी एक्स निकालना हो तो इतना आसान नहीं है कैलकुलेट करना, इसके लिए आपको त्रिग्रम लगाना पड़ेगा। और त्रिग्रम क्या है आपके पास, त्रिग्रम है हमारे पास चेन रूल, ओके। तो पहला नंबर बात, गिवन क्या है सर, गिवन ऑफ y इक्वल्स टू एल एन साइन एक्स, इट्स बीन गिवन इन द क्वेश्चन, ओके, ठीक। अब एक काम करो, आपको हमेशा मानना पड़ता है, ये जो सेकंड फंक्शन होगा, जैसे यहां देखो y इक्वल्स टू e टू द पावर साइन एक्स था, इसको मैंने माना था t, उसी तरीके से, क्योंकि e टू द पावर समथिंग है, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, तो ये जो सेकंड वाला फंक्शन होता है उसको कुछ मान लेते हैं। तो सपोज करो कि इसको मैंने मान लिया क्या, t इक्वल्स टू साइन एक्स मान लिया,
ठीक, अब देख रहे होंगे कि t किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, ठीक। तो dt अपॉन dx सबसे पहले कैलकुलेट कर लो। क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? क्योंकि dy अपॉन dx को बच्चों हम लिख सकते हैं dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx, ये दोनों निकाल लो, कहानी खत्म। तो यहाँ t एज ए फंक्शन ऑफ x है, तो dt अपॉन dx कितना हो जाएगा, sin x का सर cos x का काम, ओके ठीक। एक और बात देखो कि y इक्वल्स टू क्या हो गया सर, ln sin x, sin x का मतलब sin t हो गया सर। तो यहाँ पे देखो अगेन क्या है, y एज ए फंक्शन ऑफ सर t है, y एज ए फंक्शन ऑफ t हो गया, तो dy अपॉन dx, dx नहीं dy अपॉन dt निकाल हो गया, दैट वुड बी व्हाट, 1 अपॉन t, सिंपल। अब इन दोनों को क्योंकि ये आ चुका है, ये आ चुका है, इसको 1 में यूज कर दो, यूजिंग दीज वैल्यूज इन 1, एक में डाल दो और आंसर आ गया आपका। तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू हो गया dy अपॉन dt व्हिच इज 1 अपॉन t, ओके। और dt अपॉन dx cos x, और t की वैल्यू डाल दो, यानी 1 अपॉन कितना, 1 अपॉन t, t की वैल्यू कितनी ली हमने, t की वैल्यू है sin x इंटू cos x, आंसर ठीक, ओके। और देखते हैं हम एक दो, तो आपको अच्छे से फील आएगा। सपोज करो y इक्वल्स टू है, मान लो मैं लेता हूं cos qx, cos qx ठीक, और आपसे पूछ रहा है dy अपॉन dx की वैल्यू बताओ, ठीक। तो y इक्वल्स टू क्या दे रखा है बच्चों, cos qx दे रखा है, ठीक। y एज ए फंक्शन ऑफ, अगर y इक्वल्स टू सिंपली cos x होता तो इसका माइनस sin x हो जाता, बट इट्स नॉट लाइक दैट ना। तो आप क्या करोगे यहां पे, लो कि लेट लेट t इक्वल्स टू व्हाट, cos x, ठीक। तो y इक्वल्स टू कितना हो गया, t क्यूब हो गया बच्चों। तो y एज ए फंक्शन ऑफ t हो गया, तो dy अपॉन dt निकालो, dy अपॉन dt 3t स्क्वायर हो गया, सिंपल, ओके। और t इक्वल्स टू क्या दे रखा है बच्चों, cos x है, तो dt अपॉन dx निकालो, तो dt अपॉन dx कितना हो, माइनस साइन एक्स हो। इन दोनों को डाल देना है आपको किसमें, इस वाले एक्सप्रेशन में, dy अपॉन dx क्या होगा, dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx, dy अपॉन dt की वैल्यू बच्चों कितनी, 3t स्क्वायर, और dt अपॉन dx की वैल्यू माइनस साइन एक्स, t की वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू है सब cos, यानी कि 3 cos स्क्वायर, 3 cos स्क्वायर x इंटू माइनस साइन एक्स, सो दिस इज योर आंसर, ठीक बच्चों, ये आपका आंसर। ये थोड़ा लेंदी है, देख रहे होंगे एक एक तो कम से कम ले ही रहा है। अब देखो इसका इजी तरीके से आपको बताता हूं, जिसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, बहुत एक लाइन में आंसर है, ठीक। कि ऑल्टरनेटिवली इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपका प्रॉब्लम था y इक्वल्स टू, पहला था ना e टू द पावर साइन एक्स, देखो एक लाइन में आंसर आएगा, कैसे, आपसे पूछा गया है dy अपॉन dx की वैल्यू बताए, सो सिंपल। अब देखो सबसे पहला नंबर बात, dy अपॉन dx निकालोगे, ठीक, तो आप d अपॉन dx ऑफ क्या लिखोगे बच्चों, e टू द पावर साइन एक्स लिखोगे, ठीक। अब देखो अगर e, आप ऐसा करो कि e टू द पावर अगर x होता है ये, तो क्या इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन यहाँ e टू द पावर साइन एक्स है, ठीक। तो e टू द पावर साइन एक्स का तो e टू द पावर साइन एक्स ही रहेगा, और जो सेकेंड टर्म है उसको आपको डिफरेंशिएट करना है, उसको डिफरेंशिएट करना, तो ये आ गया e टू द पावर साइन एक्स इंटू व्हाट, कॉस एक्स, आंसर। क्या किया मैंने, एक बार फिर से देखो dy अपॉन dx, तो इसका मतलब d अपॉन dx ऑफ व्हाट दिस, ये e टू द पावर x नहीं है, e टू द पावर sin x है, तो e टू द पावर अगर x होता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या, e टू द पावर x ही होता, क्योंकि यहाँ e टू द पावर sin x है, तो e टू द पावर sin x ही होगा, लेकिन सेकंड वाले टर्म का फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स नॉट डायरेक्ट रिलेशनशिप, देयर आर टू फंक्शंस इन्वॉल्व साइमल्टेनियसली इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, सो
आप सेकेंड टर्म को भी आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अभी और ढेर सारे देखो तो फिर आपको फेल आएगा। मान लो मैंने लिखा वाई इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स क्यूब लिखा बच्चों, ठीक। अब आपसे पूछा जा रहा है कि डीवाई अपॉन डी एक्स बताओ। अब इसको करने के लिए बच्चों सबसे पहला नंबर बात, dy upon dx equals to e to the power x cube as it is। जब डिफरेंशिएट करेंगे, अगर आपको दिक्कत है तो मैं पूरा लिख देता हूं, डोंट वरी। d upon dx of the entire term which is what dx cube, clear? Now, अब देखो e to the power x होता तो e to the power x ही आंसर होता है इसका, लेकिन चूंकि e to the power x थोड़ी है, लेकिन e के पावर जो भी होगा ये तो होगा ही होगा, यानी e टू दी पावर x क्यूब तो एज इट इज, और d अपॉन dx ऑफ सेकंड टर्म इज व्हाट x क्यूब, इसका अलग से डिफरेंशिएशन, तो e का पावर x क्यूब इनटू व्हाट 3x स्क्वायर इज योर आंसर। सो dy अपॉन dx इज दिस टर्म, ठीक। अब जैसे आपका था y इक्वल्स टू कुछ ले लो, क्या लिखा था हमने, ln ln sin x लिखा था, देखो तो dy upon dx क्या होगा। अब इसके लिए देखो यहाँ दो टर्म है इकट्ठा, ये और ये एंड ये, पहले वाले का आप डिफरेंशिएशन करोगे और जो सेकंड टर्म है उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा प्रोडक्ट में। इसका मतलब dy upon dx equals to d upon dx of what ln sin x, ठीक। अब ln sin x इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर ln x होता तो ln x का क्या होता, 1 upon x होता, तो यहाँ ln sin x का मतलब क्या हो गया, सर 1 upon sin x into d upon dx of what d upon dx of sin x, तो इसका मतलब 1 upon sin x as it is, और sin x का differentiation हो गया सर cot cos x, so finally it's what cot x, clear। अब देखो ये करते हैं, मान लो आपके पास दे रखा है y इक्वल्स टू क्या लिया था बच्चों, मैंने cos cube x लिया था, आप sin cube x लेके देखो, sin cube x क्या होगा, dy upon dx निकाल लो, तो dy upon dx would be simply बच्चों क्या, dy upon dx equals to sir d upon dx of the entire thing which is sin cube x। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये x to the power n factor की तरह है, x टू दी पावर n याद है, इसका क्या होता था nx टू दी पावर n माइनस 1, याद करो बस वही चीज, तो यहां क्या हो जाएगा 3 इंटू साइन 3 माइनस 2 इंटू वॉट x इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ वॉट सर क्या साइन x, तो ये क्या बचा, ये हो गया 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस x आंसर, ठीक। एक अभी किया था ना y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स, इसका भी कर लो, तो dy अपॉन dx क्या होगा, इसको करने के लिए क्या करोगे आप, dy अपॉन dx इक्वल टू, अब डायरेक्ट लिखे हैं, अब बोलो क्या ये x टू दी पावर n की तरह है, cos क्यूब x, तो इसका मतलब 3 cos स्क्वायर x इंटू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x का, बात समझ रहे हो, बहुत ही आसान है ये, एक स्टेप में इतना भी लंबा कर रहा है, इतने एप्लीकेशंस बच्चों, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा टॉपिक है, ठीक। बट दिक्कत की बात ये है कि मुझे एक्चुअली, मैंने वेक्टर अभी तक हमने डील नहीं किया है, तो इसमें मैं थोड़ा सा ही बात करूंगा, जब वेक्टर की बात आएगी ना तो उस समय इस टॉपिक को हम अच्छे से कर लेंगे। बस आप ये समझो कि डिफरेंशिएशन का जो यूज करते हैं फिलहाल अभी, आप देखो अगर हम पोजीशन का बात करते हैं, यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं तो उसको r लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट से चाहिए होता है वेलोसिटी और वेलोसिटी से चाहिए होता है एक्सेलरेशन, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट से सपोज करो वेलोसिटी चाहिए और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन चाहिए, तो आप क्या यूज करते हो, डिफरेंशिएशन यूज करते हो। क्योंकि बात आती है कि सर आप फिजिक्स में मैथ्स क्यों पढ़ाते हो, जो है मैथमेटिकल टूल्स एंड दिस इज बेसिकली a part of mathematical tool that is calculus that will really help you out, है ना, in studying of physics। तो यहाँ बात आती है कि ये use क्या है, तो देखो actually क्या होता है, कोई भी object होता है
उसकी आपको पोजीशन पता होती है, तो पोजीशन से आप वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन आप बता सकते हो, एक्सेलरेशन आपको पता लग गया था मोमेंटम पे ठीक कर सकते हो कि मोमेंटम क्या होता है, एम इनटू वी होता है। आप फोर्स बता सकते हो, फोर्स पे कमेंट कर सकते हो, क्योंकि एफ इक्वल्स टू होता है एम इनटू ए, ठीक। और मोमेंटम और फोर्स में भी रिलेशनशिप होता है, ठीक। फोर्स पता लग गया तो आप टॉर्क के बारे में डील कर सकते हो, एंगुलर मोमेंटम के बारे में डील कर सकते हो, ढेर सारे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। आपको केवल एक चीज पता है पोजीशन, तो आप सब कुछ बता सकते हो, ठीक। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि इसमें जो प्रॉब्लम्स हम डील करेंगे ना, प्रॉब्लम बस एक ही मैं आपको छोटा सा भी दिखाता हूँ, क्योंकि वेक्टर जब टॉपिक आएगा तो मैं इसमें डिटेल आपको एनालिसिस दूंगा, क्योंकि आई जे के वगैरह का आपको कॉन्सेप्ट अभी नहीं पता है। तो मान लो कि मैंने बोला कि पोजीशन आपको पता है, पोजीशन से वेलोसिटी चाहिए तो आप डिफरेंशिएट करते हो, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन चाहिए तो डिफरेंशिएट करते हो। तो व्हाट आई मीन टू से इज दैट वेलोसिटी इज व्हाट डीआर क्वांटिटी, ओके, एंड एक्सेलरेशन इज व्हाट रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, सो इट्स डीवी क्वांटिटी। वेलोसिटी इज व्हाट रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है रेट ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, ठीक। मान लो मैंने एक प्रॉब्लम आपको दिया, सपोज यू हैव गिवन आर एज अ फंक्शन ऑफ टी नॉट वेक्टर, R equals to suppose करो TQ है, और आपसे कह रहा है find, find what? The velocity and acceleration, यानी R दे रखा है आपको velocity acceleration बताना है। तो so simple sir, R की value क्या दे रखी है, TQ है, clear? यानी position आपको पता है, velocity चाहिए, तो velocity के लिए क्या करोगे, dr upon dt बताओगे, और dr upon dt का होगा d upon dt of what, TQ, और TQ तो क्या होगा 3T square, खत्म, this is velocity। अगर बात करोगे आप acceleration का, तो A equals to होता है dv upon dt, यानी कि ये जो term आया है velocity, इसको differentiate करो, इसको दोबारा differentiate करोगे तो d upon dt of what 3T square, और ये क्या हो जाएगा 6T, खत्म answer, this is your acceleration, ठीक। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब भी है ना हमें छोटे टर्म से बड़े टर्म की तरफ जाना होता है, ऐसे आप कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट द स्मॉलेस्ट थिंग, एक्सेलरेशन इज द बिगेस्ट वन, सो व्हाट यू विल रिलाई ऑन, यू विल रिलाई ऑन व्हाट डिफरेंशिएशन, ओके, एंड इट्स रिवर्स इज आल्सो पॉसिबल। सपोज यू हैव योर एक्सेलरेशन एंड यू आर सपोज टू कैलकुलेट वेलोसिटी, एंड फ्रॉम वेलोसिटी यू आर सपोज टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट, देन यू विल हैव टू इंटीग्रेट, और इंटीग्रेशन इज used at this juncture. So, it seems that differentiation and integration is the reverse process. Yes, true. जोड़ना और घटाना क्या है, एक दूसरे का पॉजिटिव तो है, तो यहाँ अगर बड़े टर्म से छोटे टर्म की तरफ जाना है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और छोटे से बड़े की तरफ जाओगे तो आप क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, समझ रहे हो। तो इस पे इंटीग्रेशन तो खैर आज की क्लास के बाद हम डील करेंगे, है ना, इस पे हम आगे काफी डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमारा क्या है एरिया कंसर्न डिफरेंशिएशन करना, ठीक। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन आपको चूंकि वेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं पता, इसलिए मैं इस टॉपिक को यहीं पे ड्रॉप कर रहा हूँ और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, दैट इज व्हाट ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डीवाई अपॉन डीएक्स, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डीवाई अपॉन डीएक्स, इसका मतलब dy upon dx बच्चों जो है ज्योमेट्रिकली क्या बताता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना जो भी बताने जा रहा हूं। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy upon dx, यानी कि dy upon dx एग्जैक्टली होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि रेट के बारे में डिस्कशन किया था, बोला था कि रेट दो तरीके का होता है, एक होता है एवरेज रेट और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट, और वहां बात आया था कि इंस्टेंटेनियस रेट इज व्हाट dy upon dx, है ना। तो कैसे आपका एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट जो ये कैलकुलस है उसके अकॉर्डिंगली कैसे न्यूटन साहब ने दिया उसके बारे में एग्जैक्टली आपको बताता हूं। सपोज करो कि आपके पास एक टू डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स ओ वाई है, ये एक प्लेन है बच्चों, प्लेन और स्पेस, सारा कॉन्सेप्ट डिटेल में बात करेंगे। अभी आप समझो कि आपके पास प्लेन है, प्लेन का मतलब बोर्ड, बोर्ड में ये एक्स एक्सिस है बच्चों और ये आपकी वाई एक्सिस है ना, इसका मतलब ये प्लेन है, और ये पर्टिकुलर रूम इन विच आई एम टेकिंग क्लास इज व्हाट स्पेस, ये स्पेस है ना। तो प्लेन, ये आपके पास एक प्लेन, और इस प्लेन में सपोज करो आपके पास कोई एक कर्व दे रखा है, मान लो कर्व कुछ ऐसा, ठीक, देख के लग रहा है ये पैराबोलिक टाइप का कुछ है,
है, ये कर्व है आपके पास, ये दे रखा है। ओके, इसको अब मैं दो पॉइंट हमने ले लिया और इसका बच्चों कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है। मान लो ये पॉइंट है ए और इसका कोऑर्डिनेट बच्चों दे रखा है एक्स वाई, एक्स वन वाई वन, और ये वाला पॉइंट बी है बच्चों और इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है एक्स टू वाई। क्लियर? तो कोऑर्डिनेट दे रखा है तो एक काम करते हैं, यहां से हम प्रोजेक्शन डाल देते हैं, एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन डाल दो, वाई पे प्रोजेक्शन डाल दो, ठीक, एक्स पे और वाई दोनों पे प्रोजेक्शन बच्चों डाल दिया। तो ये बच्चों ये लेंथ कितना हो गया, एक्स वन हो गया, सर ये लेंथ कितना हो गया, वाई वन हो गया। ओके ठीक, अच्छा ये वाला लेंथ बच्चों कितना हो गया, एक्स टू हो गया, और ये वाला लेंथ बच्चों कितनी हो गई, वाई टू हो गया। यहाँ तक तो वही करते। अच्छा एक बात आपको बताया था ना, सीकेंट का और टेंजेंट का मैंने डिस्कशन किया और मैंने बोला था कि जो सीकेंट होता है वो क्या होता है, कर्व के किसी भी दो पॉइंट को जोड़ देते हैं, दिस इज नॉट सीकेंट। ओके, इससे इसको मिला दो, इसको मिला दिया, ये सीकेंट कुछ एंगल ट्रेस कर रहा है थीटा, ये सब बिल्कुल कर रहा है थीटा, बिल्कुल ये थीटा। ओके, और ये बात हमारी हुई थी कि हम टैन थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, और ये जो टैन थीटा होगा दैट विल बी स्लोप ऑफ द सीकेंट। तो एक बात बताओ बच्चों, ये वाली x2, ये वाली x1, तो क्या ये x2 minus x1, ये लेंथ x2 minus x1, क्या मैं इसको डेल्टा x लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, डेल्टा x मैक्स फॉर चेंज है। ओके, इसके बारे में बात करते हैं बच्चों, ये ओवरऑल लेंथ y2, ये वाली y1, तो क्या ये वाली y1, तो ये वाली लेंथ कितनी, सर ये वाली लेंथ होगी y2 minus y1, क्या मैं इसको डेल्टा वाई लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक, ओके, एक काम करो इसको हम यहाँ पे अलग कर लेते हैं, या अगर आप समझ रहे हो तो सो वेल सो गुड है। अब ये बताओ कि क्या अगर मैं टैन थीटा लिखूं तो टैन थीटा यहाँ क्या हो गया, सर स्लोप है किसका, सीकेंट का, ठीक, और उसकी वैल्यू कितनी हो गई, उसकी वैल्यू अगर बच्चों में इसको सी लिख लूं तो क्या ये बी सी वाई, BC by AC हो गया, और BC by AC exactly है क्या y2 minus y1 upon x2 minus x1 है बच्चों, क्या ये डेल्टा y upon डेल्टा x है, और मैं इसको पहचानता हूँ डेल्टा y upon डेल्टा x is what, एवरेज रेट। ओहो, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ सीकेंट यहाँ एवरेज रेट दे रहा है। देखिए tan theta equals to slope of secant, that is डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, एंड दिस इज व्हाट द एवरेज रेट। तो आपको एवरेज रेट यहां से पता लग गया ज्योमेट्रिकली। ओके, अब एक और काम करते हैं बच्चों, काम ये करते हैं कि जैसा मैंने बताया कि आप ज्योमेट्रिकली जो होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग डी वाई अपॉन डी एक्स का ये होता है इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करना, और कैलकुलस की जरूरत ही पड़ी थी इंस्टेंटेनियस रेट के लिए, ठीक, और इंटीग्रेशन की जो जरूरत पड़ी थी वो इंटीग्रेशन की जरूरत इसलिए पड़ी थी कि हेवनली ऑब्जेक्ट्स का मास डेंसिटी वॉल्यूम, अब जैसे अर्थ है सन है, यहाँ से बैठे बैठे हमने कैलकुलेट कर दिया कि उसकी डेंसिटी क्या है, उसकी मास क्या है, कैसे यहाँ कोई तराजू तो था नहीं जिससे हमने तौल लिया, हा? तो इसीलिए कैलकुलस का जरूरत पड़ा, जिसको बहुत बेहतरीन तरीके से न्यूटन साहब ने बताया। तो एक चीज हमें पता लगा कि tan थीटा यानी कोई भी कर्व हो उस पे सीकेंट बना लो, और सीकेंट में सीकेंट का जो स्लोप होगा दैट विल गिव यू व्हाट द एवरेज रेट। एंड नाउ वी वांट टू कैलकुलेट व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग और सिग्निफिकेंस और इंटरप्रिटेशन ऑफ dy अपॉन dx। इसके लिए आप क्या करो बच्चों, इसके लिए हमने क्या किया कि हमारी जो ये कर्व थी और कर्व में ये जो पॉइंट था ना, ये ए था और ये बी था, और ये सर हमारा सेकेंड था, ठीक, अच्छा, और इससे ये वाले जो थी सबको मिला दो, ये सी थी, क्या ये डेल्टा वाई था, क्या ये डेल्टा एक्स था, ठीक है बच्चों। अब अगर मैं इसका लिमिटिंग वैल्यू लू, लिमिटिंग वैल्यू का मतलब मैं अगर लिखूं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का क्या मतलब होता, यस वी नो इट, बट ज्योमेट्रिकली क्या मतलब हुआ वो समझे आप, डीवाई
लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, यानी कि ये डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो टेंडिंग हो जाए, जीरो हो जाए। जीरो होने का मतलब बच्चों डेल्टा एक्स तो ये लेंथ है और ये मैं चाहता हूं कि जीरो हो जाए, तो इसका मतलब बी पॉइंट जो है वो ए के करीब आने लगेगा, करीब आने लगेगा। इससे इसको मिला दो, मिला दिया सर। अच्छा तो अब सर डेल्टा एक्स घट गया। अच्छा और थोड़ा इसको करीब ले आओ तो सर और घट गया डेल्टा एक्स, है ना, इतना हो गया। ठीक पहले देखो कितना था, कितना उसके बाद कितना हुआ, कितना और फिर कितना और छोटा करते हैं और करते करते हम यहां पहुंच जाते हैं। यानी कि बी पॉइंट अगर ए को कॉन्साइड कर जाए, इसका मतलब हुआ लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो सिग्निफाइज व्हाट, कि पॉइंट बी इज कमिंग क्लोजर टू पॉइंट ए एंड एट वन इंस्टेंट इट कैन इवन कॉन्साइड्स विद पॉइंट ए। और ऐसे केस में ये जो स्लोप था किसका, सीकेंट का, ये टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा बच्चों में यहां अलग से बता दूं, मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो हमारा कर्व था इसमें पॉइंट ये बी था और ये पॉइंट था ए, बी ए के करीब आते आते सर ऐसा हुआ कहानी कि ये टेंजेंट में कन्वर्ट हो गया। यानी कि जो चीज पहले सीकेंट था, ये सीकेंट था ना बच्चो, और ये सीकेंट छोटा होता 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 क्या हुआ, ये पॉइंट पे टेंजेंट में कन्वर्ट हो गया। और टेंजेंट में जब कन्वर्ट हो गया सर तब तो चीजें बहुत आसान हो गई, क्योंकि सर अब हम ये किसी पॉइंट ए पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। और टेंजेंट ड्रॉ किया ठीक, और इसका जो थीटा यानी कि टाइम थीटा होगा, क्योंकि अभी देखो हमने अभी देखा कि अगर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज नथिंग बट सर डी वाई अपॉन डी एक्स एंड दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ व्हाट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक बच्चों, तो ये इसका मतलब हुआ ज्योमेट्रिकल मीनिंग कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन, सॉरी लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स एंड दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो सिंपल बात है ना कि सर ये हमारे पास एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, और ये जो हमारा ये पॉइंट था बी वो ए के करीब आने लगा क्योंकि डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो है। इसका मतलब डेल्टा एक्स सर घटते 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 क्या हुआ, जो चीज आपके पास क्या था सीकेंट था वो टेंजेंट में कन्वर्ट हो गया। तो देखो कितना जबरदस्त तरीके से कैसा मैथमेटिक्स निकाला है ना, कि आपने इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट कर लिया और इंस्टेंटेनियस रेट सिंपली क्या हुआ, स्लोप ऑफ व्हाट, टेंजेंट। मेरी बात समझ में आई? ठीक कितना समझ गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ठीक ओके, एक्स टी ग्राफ मान लो कहानी कुछ ऐसी है, ये ग्राफ है। अब एक काम करते हैं, किसी पॉइंट पे आप क्या करो टेंजेंट ड्रॉ कर दो और उसका थीटा, तो क्या यहां बच्चों टैन थीटा जो होगा दैट इज नथिंग बट सर डीएक्स अपॉन डीटी, और डीएक्स अपॉन डीटी क्या भी होता है। ठीक इसका मतलब जो स्लोप हुआ किसका, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, ध्यान देना बच्चों रिजल्ट आना चालू हो गया है जो मैंने पढ़ाया। एक्स टी यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है सर, वेलोसिटी देता है। यानी कि रिजल्ट क्या आया, स्लोप ऑफ एक्स टी, अगर बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी, और अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा तो स्लोप आपको स्पीड देगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट स्पीड, तो स्लोप ऑफ एच टी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। ठीक है बच्चों ओके। दूसरा देखो, अगर मैं बोलूं आपको वी टी ग्राफ है, सारे बता रहा हूं मैं जो जो आपके काम आएंगे फिजिक्स में, वी टी ग्राफ है मान लो ऐसा ही है, इन ब्रिजिंग है, ये वी है और ये टी है। बच्चों किसी इंस्टेंट पे आप क्या करो, स्लोप ड्रॉ कर लो, टेंजेंट ले लो उसका थीटा, तो क्या यहाँ अगेन जो टाइम थीटा होगा दैट वुड बी व्हाट, डीवी अपॉन डीटी, और डीवी अपॉन डीटी सर एक्सेलरेशन होता है, दिस इज व्हाट स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ। तो सर इसका मतलब है
इसका रिजल्ट ये निकल के आया कि स्लोप जो होता है ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। ठीक है, ओके। अच्छा बच्चों, मैं कुछ बातें आपसे पूछता हूँ, है ना। ये तो आप सीख गए कि एचटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है, और वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। ठीक, मैं आपसे कुछ चीजें पूछता हूँ, ये हम साथ साथ मिल करके देखते हैं। मान लो आपका केस है कुछ ऐसा, ये अगर मान लो एचटी ग्राफ, ठीक, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और आपको मैं कुछ पॉइंट्स बना देता हूँ। सपोज करो ये ए है, ये बी है, ठीक, ये सी है और ये डी है। ये चार पॉइंट मैंने लिया बच्चों, ठीक, इसका मतलब चार पॉइंट लिया मैंने। क्या क्या लिया? ये ए लिया, बी लिया, सी लिया और ये डी लिया। ध्यान देके देखना, डिस्कस किसका करोगे सर? डिस्कस यहाँ चूंकि एचटी ग्राफ है तो वी विल कॉमेंट ऑन व्हाट द वेलोसिटी। ओके, अब मुझे आप बताओ ए पॉइंट पे जो है वेलोसिटी जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, जीरो है, क्या है? इसके लिए आप देखो कुछ नहीं करते हैं, स्लोप ड्रॉ करते हैं। स्लोप ड्रॉ किया, ये थीटा बच्चों, ये थीटा 90 से कम है। 90 से कम का मतलब क्या होता है? टैन थीटा पॉजिटिव होना। इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है। बच्चों यहाँ स्लोप क्या है? सर स्लोप बात तो किया था ना हमने, पूरा पहले क्लास में ही बताया था। स्लोप यहाँ से पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब यहाँ से वेलोसिटी पॉजिटिव। ओके, यहाँ देखो स्लोप क्या? जीरो। यहाँ स्लोप जीरो होने का मतलब सर वेलोसिटी जीरो हो गया। अब एक और मजेदार बात आएगा कि इसका मतलब सर ए पॉइंट पे वेलोसिटी पॉजिटिव, बी पॉइंट पे जीरो। अब देखो पॉजिटिव से जीरो होने का मतलब क्या हुआ? इससे वेलोसिटी घटी होगी, तभी तो घट के जीरो होता है, बढ़ते बढ़ते जीरो थोड़ी होता है, घटते घटते जीरो होता है। ठीक, तो इसका मतलब कि यहां से यहां जाने में, ए से बी में वेलोसिटी घटी है। ओके, अब बात करते हैं सी पे। सी के लिए सर स्लोप ड्रॉ करो। ठीक, यहाँ पे क्या स्लोप निगेटिव है? यस सर, स्लोप क्या हो गया? सर स्लोप यहाँ निगेटिव है, यानी क्या? वेलोसिटी निगेटिव है, तो सर यहाँ वेलोसिटी निगेटिव है। अब मजा आएगा, देखो यहाँ क्या हुआ। सर यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव, यहाँ वेलोसिटी कितना? जीरो। यहाँ वेलोसिटी क्या हो गया? निगेटिव। तो इसका मतलब क्या? मैं कुछ ऐसा लग रहा है यार कि हुआ क्या, वेलोसिटी पहले थी पॉजिटिव, फिर घटते घटते हो गई जीरो, फिर हो गई निगेटिव, है ना। अच्छा, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये देखो, मान लो आप किसी बॉल को ग्राउंड से फेंकते हो, जैसे आपने ग्राउंड से यू स्पीड से सपोज करो फेंका, जब यू स्पीड से आप फेंकते हो तो आप जानते हो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लग जाता है? नीचे। और शायद मैंने पढ़ाते समय पता नहीं बोला या नहीं बोला, आई डोंट नो, जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो ऑब्जेक्ट की स्पीडिंग डाउन होती है, और क्या घटते घटते यहाँ वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की जीरो हो जाती है, यानी कि सर यहाँ वेलोसिटी जीरो हो गई। अब देखो, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ एक क्षण के लिए रुका, लेकिन अभी भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है। तो ये बात आगे आप आके देखोगे काइनेमेटिक्स में कि सर ऑब्जेक्ट जब रेस्ट से स्टार्ट करता है मोशन तो हमेशा एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में चलता है, इसका मतलब वो नीचे जाएगा। आई बात समझ में? तो क्या ये हमारा इस चीज पे अप्लाई हो रहा है? और यहाँ क्या हुआ? ऑब्जेक्ट ने अपना डायरेक्शन चेंज किया। यहाँ देखो वेलोसिटी किधर किधर है, और यहाँ पे अभी वेलोसिटी जीरो हो गई। जी की वजह से क्या होगा? हर इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी बढ़ाएगा। ठीक, और ग्राउंड को जिस समय हिट करता है तो आगे आके देखेंगे कि इक्वल हाइट पे स्पीड इक्वल होता है बट वेलोसिटी अपोजिट होता है। वेलोसिटी द वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ ऊपर के डायरेक्शन में है वेलोसिटी, ठीक, यहाँ वेलोसिटी नीचे के डायरेक्शन में है। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट? स्पीड। तो स्पीड सर इक्वल होते हैं इक्वल हाइट पे, बट वेलोसिटी इक्वल नहीं होता है सर, क्योंकि डायरेक्शन पलट जाता है। क्लियर हुआ? तो क्या इस एग्जांपल में आपको फील आया कि यहाँ वेलोसिटी क्या था? पॉजिटिव, उसके बाद यहाँ जीरो,
तो इसका मतलब यहाँ से पॉजिटिव, ऐसे भी देखो अगर ऊपर के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं तो यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव, यहाँ जीरो, यानी बी पी पहुंच गए। उसके बाद क्या हुआ सर कि वेलोसिटी पलट गई, यानी कि वेलोसिटी इधर पॉजिटिव था तो नीचे क्या होगा निगेटिव, तो नीचे निगेटिव हो गया सर। ठीक ओके, उसके बाद क्या हुआ जब ग्राउंड को हिट करेगा तो सर जीरो, तो डी पे देखो क्या स्लोप जीरो, स्लोप जीरो का मतलब क्या वेलोसिटी जीरो, तो ये जीरो। अब आपको समझ में आ रहा है कि मैंने स्लोप क्यों पढ़ाया था। काइनेमेटिक्स में जबरदस्त तरीके से आप पढ़ ही नहीं सकते हो जब तक कि आपको पूरी चीजें मैथमेटिकल टूल जो होता है काफी अच्छे से आपको क्लियर ना हो। एक ही एग्जांपल मैंने एकदम सिंपलेस्ट लिया जो आप पहले से जानते हो, बट देखो कितने कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, जो जो चीजें आपको बता रहा हूँ सारा आ रहा है उसमें। ओके अब एक अगेन काम करते हैं, आपको एक्सेलरेशन का ग्राफ देता हूँ, सॉरी वीटी का। ठीक वीटी ग्राफ में चीजें तो बात करके ली थी मैं आपको, एक बस वही प्रैक्टिकली समझाता हूँ। मान लो यही केस था जो भी डील किया था हमने, और पॉइंट्स ले लो ए बी सी और डी, चार पॉइंट्स। ओके तो व्हाट यू हैव टू डू इज टू कमेंट ऑन द एक्सेलरेशन एट डिफरेंट लोकेशंस वी आर गिवन, ए बी सी एंड डी। ओके एंड वी हैव टू कमेंट ऑन द एक्सेलरेशन। हियर व्हाट इज हैपनिंग, इफ यू ड्रॉ द स्लोप tan theta is positive here, so sir slope is positive here, positive slope signifies what, the acceleration is positive, it means acceleration positive signifies what, acceleration is along positive x-axis। okay chalo yahan baat karo, yahan slope zero ka matlab acceleration zero। okay yahan slope ka baat karte hain to kya ye slope negative hai, yes sir स्लोप नेगेटिव मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव, और यहाँ पे स्लोप जीरो का मतलब एक्सेलरेशन जीरो हुआ। तो पहला नंबर तो सर इतना तो स्लोप से हमें पता लगता है कि यहाँ सर पॉजिटिव, यहाँ जीरो, यहाँ नेगेटिव और यहाँ अगेन जीरो। ठीक है और देखते हैं, ढेर सारे आपके पास एग्जाम्पल्स हैं। मान लो मैं बोलता हूं मोमेंटम पीटी ग्राफ, मोमेंटम टाइम ग्राफ। बच्चों मान लो वही है, ये पी है ये टी है। ठीक तो ये पीटी ग्राफ है बच्चों, तो टैन थीटा यहां क्या हो, टैन थीटा यहां होगा डीपी अपॉन डीटी एंड दिस इज नथिंग बट फोर्स एंड दिस इज नथिंग बट वॉट स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ। तो इसका मतलब सर एक बेहतरीन रिजल्ट आया कि स्लोप जो होता है पीटी ग्राफ का गिव्स वॉट, गिव्स फोर्स। ढेर सारे हैं एग्जाम्पल, आप करेंट इलेक्ट्रिसिटी में आ जाओ, करेंट इलेक्ट्रिसिटी में मैं बोलता हूं अगर मान लो क्यूटी ग्राफ है, क्यूटी ग्राफ यानी कि चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ। मान लो ये क्यू है और ये टी है कुछ ऐसा, अगेन देखो क्या यहाँ टाइम थीटा जो होगा दैट वुड बी डी क्यू अपॉन डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज टेंथ क्लास में भी पढ़ के आया हो, करंट होता है जिसका मतलब टाइम थीटा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू व्हाट आई, एंड दिस इज व्हाट स्लोप ऑफ क्यू टी ग्राफ, क्यू टी ग्राफ। तो यहां से रिजल्ट क्या आया, स्लोप ऑफ क्यूटी ग्राफ गिव्स इलेक्ट्रिक करंट। ओके और देखो, और हम बात करते हैं मान लो ओमेगा टी ग्राफ है, एंगुलर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, दिस इज व्हाट एंगुलर स्पीड, ये है बच्चों एंगुलर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। अच्छा ये अगर आप ऐसे बार बार ड्रॉ कर रहे हो तो ये मत समझ लेना कि ऐसे ही होता है, आप कुछ भी लिख सकते हो यार इसमें, ऐसे भी ले सकते हो। आप क्या करोगे टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, यहाँ पे यही आपको पता लग रहा है कि स्लोप क्या है, ये थीटा, टैन थीटा जो होगा दैट वुड बी व्हाट
डी ओमेगा बाई डी टी और ये होता है अल्फा, अल्फा का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मूवमेंट का एंगुलर स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड इज वॉट एंगुलर एक्सेलरेशन एंड दिस इज वॉट स्लोप ऑफ ओमेगा टी ग्राफ। तो बच्चों एक जानदार शानदार रिजल्ट आ रहा है, क्या आ रहा है कि स्लोप ऑफ है ना ओमेगा टी ग्राफ, यानी ओमेगा टी ग्राफ इज वॉट गिव्स एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों क्या है कि आप समझ पा रहे हो कि सर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो था हमारा किसका डीवाई अपॉन डीएक्स का, वो सर बहुत ही बेहतरीन तरीके से है ना आप उसका अप्लाई कर सकते हो फिजिक्स में। ठीक है, इतना लिखो।